अनुपम खेर के ऑफिस में हो गई चोरी। मुंबई में लोगों की सुरक्षा पर खड़ा हुआ बड़ा सवाल। ऑफिस का दरवाजा तोड़कर घुस गए चोर। जी हां, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक्टर के वीरा देसाई रोड वाले ऑफिस में चोरों ने घुसकर तोड़फोड़ कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अनुपम खेर ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि 19 जून को उनके ऑफिस में दो चोरों ने घुसपैठ कर वहां मौजूद फिल्म के नेगेटिव चुरा लिए। उन्होंने पुलिस स्टेशन में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। अनुपम खेर के ऑफिस में हुई चोरी। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में उनके ऑफिस का दरवाजा बुरी कंडीशन में दिखाई दे रहा है। एक्टर ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि बुधवार को उनके मुंबई स्थित ऑफिस में चोरों ने घुसकर ऑफिस का जरूरी सामान चुरा लिया। एक्टर लिखते हैं, कल रात मेरे वीरा देसाई रोड वाले ऑफिस में दो चोरों ने घुसकर ऑफिस के दो दरवाजों को तोड़ा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पूरा सेफ, जो शायद वो तोड़ नहीं पाए, और हमारी कंपनी द्वारा निर्मित एक फिल्म के नेगेटिव जो एक बॉक्स में थे, उन्हें चुरा कर ले गए। हमारे ऑफिस में हुई घटना को लेकर FIR करवा दी गई है। आगे उन्होंने लिखा कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द चोर पकड़े जाएंगे, क्योंकि CCTV कैमरा में दोनों सामान के साथ ऑटो में बैठते हुए दिखाई दिए हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। ये वीडियो मेरे ऑफिस वालों ने पुलिस के आने से पहले बनाया था। फैंस हुए परेशान। अनुपम खेर की पोस्ट देखने के बाद फैंस परेशान नजर आ रहे हैं। एक फैन ने कहा कि डॉक्टर डैंग के ऑफिस में चोरी, ये कैसे हुआ। बहुत सारे लोगों ने एक्टर का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि परेशान मत होइए, चोर जल्द ही दुनिया के सामने होंगे। अनुपम खेर के ऑफिस में हुई चोरी ने हर किसी का दिल दहला दिया है। उम्मीद करते हैं कि चोर जल्दी ही पकड़े जाएंगे। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि जब देश के बड़े एक्टर के ऑफिस में चोरी हो रही है, तो देश की आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।